हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का एक्सपेंडिचर साइड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने रेवेन्यू साइड देखा था कि मतलब गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से होती है, मतलब गवर्नमेंट पैसे कहाँ कहाँ से लाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर लेना, वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की एक्सपेंडिचर साइड से। ठीक है, कल वाली वीडियो में अपन ने रेवेन्यू साइड देख लिया था, आज अपन देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड देखने से पहले एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करवा देता हूँ जो जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, वो मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पर रिपीट करवाता हूँ क्या क्या अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इसको अपन ने टू टाइप्स में डिवाइड किया था। थोड़ा ऊपर नीचे बन रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, एक था कैपिटल बजट और एक था रेवेन्यू बजट। ठीक है, ये अपने पास दो चीजें थी और इसको फर्दर अपन ने दो चीजों में डिवाइड कर दिया था। वो क्या क्या थे वो देखो, कैपिटल बजट को भी अपन ने दो चीजों में डिवाइड किया था। एक था कैपिटल रिसिप्ट और एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट को भी दो चीजों में अपन ने डिवाइड किया, एक था रेवेन्यू रिसिप्ट रिसिप्ट और एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन चीजों में अपन ने इनको डिवाइड किया था। फिर अपन ने कल दो चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी वो देख लो। अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, एक कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर इनको फर्दर अपन ने डिवाइड किया था, कैपिटल रिसिप्ट को तीन चीजों में डिवाइड किया था, बोरोइंग रिकवरी ऑफ लोन और फिर था डिस इन्वेस्टिंग। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट को दो चीजों में अपन ने डिवाइड किया था, एक था टैक्स और एक था नॉन टैक्स। ठीक है, ये चीजें अपन ने कल पढ़ ली थी। आज अपन को पढ़ना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो अपन पढ़ेंगे। कैपिटल बजट के अंदर अपन ने देखा था, अपन कोई भी एसेट या कोई भी मशीनरी कैपिटल वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बाय करते हैं सेल करते हैं। रेवेन्यू बजट में अपन देखा था, अपन ना कोई कैपिटल एसेट या फिर ना कोई मशीनरी वगैरह ऐसी चीज़ों को बाय करते हैं सेल करते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट में अपन ने देखा था जो भी अपने एसेट है उनको सेल करने के बाद जो अपन को पैसा मिलता है वो चीज़। ठीक है, या अपन कोई लाइबिलिटी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन लोन लेते हैं तो उससे मिलने वाला पैसा कैपिटल रिसिप्ट में आ गया। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसी चीज़ों से पैसा आना जिसके लिए अपन को ना कोई चीज़ों को सेल करनी पड़े ना ही कोई लोन देना पड़े, जो टैक्स से और नॉन टैक्स से आ सकता है। आज अपन देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो किसी मशीनरी को खरीदने पे, कोई एसेट खरीदने पे किया गया हो। ये सब किस पे लेते हैं अपन? कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेते हैं। और लेते हैं अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो अपन ने यहाँ पे जॉब कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किया गया हो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ गए अपन एक बार ओवरव्यू में, अब अपन चलते हैं इसकी थ्योरी पे। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, सबसे उसके अंदर अपन देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन फिस्कल ईयर दैट डज नॉट अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट।
ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये वो एक्सपेंडिचर है जो ना कोई एसेट बढ़ाता है ना कोई लाइबिलिटीज को कम करता है, या फिर मतलब इससे एसेट और लाइबिलिटी कोई इफेक्ट नहीं होती है। समझ गए? दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन एंश्योर दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रन इफेक्टिवली एंड कवर देयर आउटगोइंग कॉस्ट। मतलब इसके अंदर अपन ये देखते हैं, इस एक्सपेंडिचर से अपन को क्या देखना होता है, अपन को ये देखना होता है कि जो अपनी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जैसे गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग करने वाले जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पुलिस सर्विस हो गई, आर्मीज हो गई, इन सब पे जो भी खर्चा करते हैं वो किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। या फिर रेलवे में जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उस पर खर्चा करना वो किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है? पेंशन्स, किसी को पेंशन्स देना, मतलब जैसे रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन्स देते हैं अपन, वो पेंशन देना। फिर अपन बात करते हैं सैलरी देना, जो लोग जॉब पे अभी हैं उनको सैलरीज प्रोवाइड करना। फिर अपन बात करते हैं सब्सिडीज, सब्सिडीज प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, ठीक है, अभी जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर पे सब्सिडी दे रही है, ऐसी सारी चीज़ें, ग्रांट्स एक्सेट्रा, मतलब ऐसी चीज़ों में खर्चा करना। अब अपन फर्दर इसको बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपन डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में और डिवाइड कर देते हैं, एक प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दो भी होते हैं, अगर आप इतना ही कर दोगे तो भी ठीक है, ये एज ए नॉलेज के लिए समझ लो। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अपन प्लान कर चुके हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो आपके घर में आपकी इनकम आई, ठीक है, या तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आने वाली है। अब आप क्या होगे, इनकम आने से पहले आप एक बजट तैयार करते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप लिखते हो कि यहाँ यहाँ से इनकम आने वाली है और यहाँ इनको पैसे देने हैं। गवर्नमेंट बजट बनता है वो भी ऐसे बनता है कि मतलब इनकम कितनी आने वाली है और इन किन किन को पे करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, ये गवर्नमेंट बजट होता है। और यही अपन अपने घर का भी बजट बनाते हैं। अब बात ये होती है, जो पैसे आ गए अब अपन प्लान कर लेते हैं कि यार देखो मेरे को रेंट देना है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, मेरे को वाटर बिल देना है, मेरे को फूड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, और अपन ने क्या किया, अपना बजट बना लिया, इतना अपन ने कर लिया। अब क्या होता है, ये जो सारे अपन ने बना लिए है, ये जो अपनी लिस्ट के अंदर है कि मतलब अपन को इन इन चीज़ों पे खर्चा करना है, ये क्या है? प्लान एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अपन बात करते हैं ये क्या हो जाता है कि कोई बीमार हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार हो गया और अपन को मेडिसिन पे भी खर्चा करना पड़ा, ठीक है, अब वो क्या है, वो अपन ने प्लान नहीं किया था, अपन ने ये नहीं सोचा था कि यार इस महीने कोई बीमार पड़ेगा, समझ रहे हैं अपन बात को, फिर भी अपन को क्या करना पड़ा, वो खर्चा करना पड़ा, तो वो क्या है, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब वो एक्सपेंडिचर जो अपन ने प्लान नहीं किया फिर भी अपन को करना पड़ा। ठीक है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो क्या है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के द्वारा की बात कर रहे हैं अपन, है ना, अभी अपना नॉर्मल घर का बजट साइड में रखो, गवर्नमेंट का बजट वापस ले आओ। ठीक है, गवर्नमेंट किस पर खर्चा करती है, एजुकेशन पे करती है, हेल्थ पे करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करती है, ऐसी चीज़ों पर खर्चा करती है। और फिर अगर कोई आपदा आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई फ्लड आ गया या कोई भी आपदा आ गई, तो ऐसी चीज़ों पर जब गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ जाता है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। समझ गए अपन बात को, आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब ऐसी जगह एक्सपेंडिचर करना जो अपन को या तो कोई एसेट बनाए, ठीक है, या लाइबिलिटी को कम करे। ठीक है, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच इफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए, जो अपन ने बोला वही ये चीज थी। इट कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेंडिचर्स सच एज एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, स्टील प्लांट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर लोन एक्सेट्रा एंड एडवांसेस। मतलब ये सारी चीज़ें पे खर्चा करना, जैसे कौन सी हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कौन कौन सा हो सकता है, बिल्डिंग पे खर्चा करना, मशीनरी पे खर्चा करना, कोई डैम्स बनाना, कोई स्टील प्लांट्स बनाना, इन सब चीज़ों पे खर्चा करना, या फिर कोई शेयर्स खरीदना, ये सब किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स,
अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो अपन 5 साल के प्लान में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, कि अपन को ये एसेट खरीदना है, ये सारी चीज़ों पे पैसा लगाना है, ये सारी चीज़ें बनवानी है वो। और नॉन प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो अपन प्लान नहीं करते हैं, बाकी करना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, उससे क्या हुआ, बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई। अब उस प्रॉपर्टी को वापस कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा ना। अपन ने पहले ये नहीं सोचा था कि उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बट अब डैमेज होने के कारण अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको वापस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको वापस बनाना पड़ेगा। तो वो किस में आ जाएगा? नॉन प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। समझ गए अपन इस बात को? तो अपन ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।